सत्ता के परिवर्तन के लिए आया हूँ। जनता ने माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को 3 टर्म मौका दिया और उन्हें ऊंचाई पर भी पहुंचाया, लेकिन वे इस जनता की इच्छा पर, उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर सके। जनता से मेरा आह्वान है, उन्हें उखाड़ फेंके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं हूं कमलेश। अभी हमारे साथ पूर्व IAS गोरखनाथ जी हैं, जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है और आज जगदम्बा मंदिर, अपने गांव में जगदम्बा स्थान मंदिर में पूजा किया है। और जैसा कि कहा जाता है, आज विजयादशमी है और विजयादशमी को जत्रा भी कहा जाता है। और जत्रा के दिन जो है, ये कांग्रेस में सियासी पारी खेलने को लेकर ये आप जो है आज जगदम्बा स्थान में पूजा किए हैं, क्या कहेंगे? आज जगदम्बा स्थान में पूजा करने का मेरा मूल उद्देश्य ये है कि इस धरती पर मैं जन्म लिया हूँ, इस धरती के ऋण का चुकता कर सकूँ, इसीलिए मैं कांग्रेस के दामन थाम के यहाँ का नेतृत्व करने हेतु यहाँ मुखातिब हुआ हूँ। ये जगदम्बा स्थान जब 2005 में नीतीश जी न्याय यात्रा निकाले थे तो उस समय यहाँ आए थे, उसके बाद बोले थे कि सो हम जब अगर सत्ता में आते हैं तो जगदम्बा स्थान को पर्यटन के मानचित्र पे लाएंगे। उसके बाद जो है लगातार यहाँ से विजय सिन्हा जी और इधर विपक्ष में सम्राट चौधरी थे, उन्होंने भी ये वादा किया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जनता को ठगने का ये लोग, नेता लोग काम करते हैं, उसी तरह का आश्वासन माँ जगदम्बा को इन्होंने दिया है। प्रजातंत्र में तंत्र पर प्रजा का नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन अभी देखा क्या जा रहा है, 5 साल के लिए तंत्र जो है सो प्रजा को पर निरंकुशता पूर्वक शासन कर रहा है, जिसके कारण वे वादे तो करते हैं, घोषणाएं भी करते हैं, लेकिन उसका अनुपालन नहीं करते हैं। यहाँ की जनता ने माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को 3 टर्म मौका दिया और उन्हें ऊंचाई पर भी पहुँचाया, लेकिन वे इस जनता की इच्छा पर, उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर सके। उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसे गिनाया जा सके, जबकि 15 साल कम नहीं होता, 15 साल कम और ज़्यादा लगभग उनकी सरकार सत्ता में रही और इस सरकार में उन्हें सर्वोच्च शिखर पर भी पहुंचाया, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया है। अब इस जनता से मेरा आह्वान है कि उसे उन्हें उखाड़ फेंकें। जिस प्रकार से कौटिल्य ने कहा था कि पान का पत्ता, रोटी और सत्ता, जब तक आप परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक वो ठीक नहीं होगा, पान सड़ जाएगा, रोटी जल जाएगी और सत्ता निरंकुश हो जाएगी, इसलिए इस सत्ता के परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं माँ जगदम्बा से आशीर्वाद लेकर आप लोगों की इच्छा अनुसार आप लोगों के बीच सत्ता के परिवर्तन के लिए आया हूँ। जत्रा के दिन आज जत्रा कर रहे हैं, अब यहाँ की जनता की इच्छा है कि हमें यहाँ प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है या नहीं देती है। ये टाल क्षेत्र है और टाल का जो क्षेत्र रहा है, किसानों का क्षेत्र है बढ़िया, और बढ़िया मोकामा टाल क्षेत्र हम लोग बचपन में बुक में पढ़ते थे, और टाल से ही नालंदा से नीतीश जी आते हैं और उन्होंने जो है टाल को लेकर भी जो है जो आश्वासन किया, वादा किया, या टाल को लेकर अभी तक राजनीति ही होती आई। जितने भी लोग आए, टाल के किसान की स्थिति वही है और नेता जो है अच्छे अच्छे पदों पे पहुंच गए, तो इस पे आपका क्या विजन रहेगा? टाल क्षेत्र के विकास का डिमांड यहाँ के किसानों का बहुत लंबा डिमांड है, आज से नहीं, लगभग 40 साल से ये डिमांड है, और हर नेता लोग यही कहते हैं कि मैं इसका विकास करूँगा, यहाँ के इकोनॉमी के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, राज्य की इकोनॉमी के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए, ये आवश्यकता है कि टाल क्षेत्र का विकास करें और इसे दो फसला का करने का व्यवस्था करें। राज्य और केंद्र सरकार के बीच योजना आकार अब इतना बड़ा हो चुका है कि धन की यहाँ कमी नहीं है और इच्छा शक्ति की राजनेताओं में कमी है। मैं इस आपके मंच से आह्वान करता हूँ, मांग करता हूँ बिहार राज्य सरकार से कि टाल योजना की को अब अगले साल अवश्य अगले बजट में लेकर फलीभूत करें। आप भी किसान के बेटे हैं और बढ़िया की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और मसूर की जो उत्तम खेती, टाल को जो है दाल का कटोरा भी कहा जाता है, और दाल का कटोरा अभी पूरी तरह पानी से डूबा हुआ है। माना जाता है कि 10 अक्टूबर के बाद उत्तम बुआई होती है और वही 10 नवंबर तक, और टाल अभी पूरा पानी भरा हुआ है। सरकार के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जिनको यहाँ के जनता ने चुना है, वोट दिया है, मानिंदे हैं, कोई भी लोग इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। टाल में अभी जल जमाव है, जल जमाव के निराकरण के लिए 2-3 रास्ते हैं, जैसे सुरजी चक में
बालू की निकासी या पंपिंग सेट लगा के निकासी करना या इसकी परमानेंट व्यवस्था करना, लेकिन अभी तक इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जबकि मैंने यहाँ के जिलाधिकारी का भी ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा है कि इस दिशा में त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है, जिससे कि यहाँ के किसानों को लाभ हो सके, निदान हो सके और अच्छी फसल वो प्राप्त कर सकें। टाल जो है, टाल पे किसी की पढ़ाई, किसी की बेटी की शादी, टाल पे ही निर्भर करती है। और किसान जो है अभी मतलब मायूस बैठा हुआ है, और जबकि पिछले इधर जो है बाढ़ से भी ये क्षेत्र जो है बाढ़ से भी प्रभावित रहा है, बाढ़ राहत का लाभ भी अभी तक लोगों को नहीं मिल पाया है। और अगर दुर्गा पूजा के, नीतीश कुमार जो है घोषणा किए थे कि दुर्गा पूजा के पहले बाढ़ राहत का लाभ सभी को मिल जाएगा, लोग जो है अच्छी तरह दुर्गा पूजा मना सकते हैं। बाढ़ से इस क्षेत्र में बहुत लोग प्रभावित रहे, इसके संबंध में मैंने जिला पदाधिकारी का भी ध्यान आकृष्ट कराया था और कमिश्नर मुंगेर का भी ध्यान आकृष्ट कराया था, और उस दिशा में कुछ काम भी हुआ, लेकिन अभी भी ग्रांट राशि बहुत लोगों को नहीं मिला है। इसलिए मैं आपके मंच के माध्यम से ये मांग करूंगा कि जो भी लोग छूटे हुए हैं बाढ़ पीड़ित, उन्हें वह राशि जरूर दी जा सके। अंत में जो है, खासकर आप बढ़िया क्षेत्र से हैं, बढ़िया के लोगों को क्या संदेश देंगे? बढ़िया में देखिए, बढ़िया में 2016 में ही यहाँ के बहुत बड़े भूभाग को गैर मजरुआ मालिक घोषित कर दिया गया है, जबकि 1907 में खतियान बना और 1907 से उन लोगों का कब्जा रहा है, रसीद कटती आ रही है और उसका मैंने जमाबंदी कायम था, उसका मैंने रजिस्ट्री भी हो रहा था, और अचानक 2016 में इसके रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई, जमाबंदी रसीद कटने पर रोक लगा दी गई, जबकि सरकार जबकि सरकार का ये निर्णय है कि जब अगर बिहार सरकार की ज़मीन पर भी लगातार 30 वर्षों तक किसी का कब्जा होता है तो उसको रैयतीकरण घोषित कर रैयतों को दी जाए। इस संबंध में मैंने बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी का भी ध्यान आकृष्ट कराया है ताकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से इसका निदान किया जा सके, क्योंकि बढ़िया की के बहुत लोगों का बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी आदि में इसमें काफ़ी कठिनाई आ रही है, चूँकि ज़मीन की बिक्री नहीं हो पाती है, इसलिए इसका निदान आवश्यक है। पूर्व के जो भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के मूल मुद्दों को छोड़कर अन्य मुद्दों की ओर भटकते रहे और कोई भी इस सब का निदान नहीं कर सके, जबकि उन्हें इसका निदान करने की आवश्यकता थी। आपने कांग्रेस ज्वाइन किया है, अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है तो जो है चुनावी मैदान में आने के लिए तैयार हैं? कांग्रेस पार्टी हम मैंने ज्वाइन किया, अगर कांग्रेस टिकट देती है चुनावी मैदान में अवश्य आऊँगा। ये हमारे साथ गोरखनाथ जी थे, जिन्होंने आज विजयादशमी के दिन बढ़िया की धरती से ये घोषणा किया है कि वो सियासी पारी खेलने के लिए तैयार हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ पोर्टल।